प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है इस देश को स्वच्छ बनाने का और इस देश को गार्बेज फ्री करने का, उसमें हम जितना भी अपना योगदान दे सकें वो हमारा प्रयास रहेगा। मैं सारों को बोलना चाहती हूँ कि आसपास सफाई रखो। बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने हमारे पंचायत में आके सूला पार्क को इतना साफ सुथरा किया और हमें भी जागरूक किया। हम तो खैर जागरूक हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगा उनके साथ मिलकर काम करने का और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास सफाई रखें। सफाई अपने आसपास रखना मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना, तो मैं पहले भी हमेशा बोलती आई हूँ, आज भी ये बोलूँ कि जान है जहान है। नमस्कार, मैं हूँ बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। और आपको बताएं कि इस वक्त हम जिला रियासी के सूला पार्क में हैं। ये एक पर्यटन स्थान है और बता दें कि यहाँ पर लगातार पर्यटक स्थान व स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं और आज जो है CRPF 126 बटालियन द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और मैं सभी से जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं या फिर स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं उनसे निवेदन यही करते हैं कि ये हमारा ही ये पर्यटक स्थान है तो हमें सफाई भी हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि अगर यहाँ पर सफाई होगी तो बैठने का भी एंजॉय हम कर सकते हैं, इसके अलावा बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। जिस प्रकार से CRPF 126 बटालियन द्वारा इस सूला पार्क में और कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जो है सफाई की जा रही है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर स्थानीय लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे कि इसको जो साफ़ सुथरा रखना किसका कार्य है। आज तो चलो हम सफाई कर लेंगे, लेकिन सफाई अभियान के बाद 2-3 दिन के बाद यहीं पर कुछ लोगों द्वारा जो है गंद डाल दिया जाएगा, फिर आखिर लापरवाही किसकी होगी, हमारी होगी। तो मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि यहाँ पर सफाई रखें ताकि आने वाले जो पर्यटक यहाँ पर आएँ तो कहीं ना कहीं वो साफ़ सुथरा देखें और यहाँ इन्जॉय करें और ये अच्छा मैसेज लेके जाएं। सुनिए इस खबर में क्या कहना है यहाँ के जो CRPF के कमांडर हैं। पूरे देश भर में स्वच्छता ही सेवा के नाम से एक अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर आज 1 अक्टूबर को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है 1 घंटा स्वच्छता के नाम पर हम लोगों ने दिया है। रियासी ज़िले में 126 बटालियन की तैनाती होने के कारण और उसका कमांडेंट होने के नाते मुझे यहाँ पर नोडल अधिकारी रियासी ज़िले का नियुक्त किया गया है। वैसे तो हमारा ये स्वच्छता पखवाड़ा 15 तारीख से चल रहा है, परंतु आज 1 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें CRPF के कार्मिकों के अलावा सिविलियंस हमारे और बाकी जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और बाकी भी लोग हैं, जैसे PRI इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर आज 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इस सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस अभियान से लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और ख़ास तौर से जो है बच्चों को मैं आह्वान करता हूं कि इस तरह के अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। यह केवल 1 तारीख तक ही हम सीमित इस प्रोग्राम को नहीं रखेंगे, हम ये लगातार पूरे वर्ष भर चलाएँगे और जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है इस देश को स्वच्छ बनाने का और इस देश को गार्बेज फ्री करने का, उसमें हम जितना भी अपना योगदान दे सकें वो हमारा प्रयास रहेगा। गांधी जयंती की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और महात्मा गांधी जी के जो विचार रहे हैं, महात्मा गांधी जी के जो शिक्षाएं रही हैं, उन सबको हम लोगों को अनुग्रहित करना चाहिए और अपने जीवन में उनका समावेश करना चाहिए। और उसी गांधी जयंती के अवसर पर ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और भारत सरकार के तमाम क्षेत्रों में, तमाम राज्यों में, भारत सरकार के अधीन आने वाले तमाम कार्यालयों में इस तरह का अभियान चल रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। और रियासी ज़िले में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बढ़ चढ़ कर इन ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें और लोगों को भी इनमें हिस्सा लेने के लिए जागरूक करें। तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं पार्क में तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, जब भी वो कुछ खाते हैं तो कृपा करके जो रैपर्स होते हैं वो डस्टबिन में डालें, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा, माली होगा, जो भी कोई केयर टेकर यहाँ पर है, वो पर्सनली एक एक इंसान के पास जाके नहीं बोल सकता है। तो ये चीज़ हमें खुद पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हमें खुद स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्योंकि एक अच्छी हेल्थ के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने हमारे पंचायत में आके सूला पार्क को इतना साफ़ सुथरा किया और हमें भी जागरूक किया। हम तो खैर जागरूक हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगा उनके साथ मिलकर काम करने का और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सफाई अभियान को लेकर मेरा यही कहना है कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, सिर्फ समाज के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए भी।
जैसे कि आज हम यहाँ सुल्ला पार्क में सफाई अभियान चला रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, नीचे भी बैठते हैं। सफाई अपने आसपास रखना मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना। तो मैं पहले भी हमेशा बोलती आई हूँ, आज भी ये बोलूँगी कि जान है जहान है, सफाई रखेंगे स्वस्थ रखेंगे अपने आप को, तो हम लाइक वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन फ्यूचर ऑफ द नेशन। सुल्ला पार्क में आई हूँ जहाँ पे सफाई करने में अच्छा लगता है। मैं सारों को बोलना चाहती हूँ कि आसपास सफाई रखो। तो काम किया हमारी पंचायत में, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मान्या है, मैं सुल्ला पार्क में आई हूँ और मैं सफाई कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास सफाई रखें, बीमार नहीं हो, सफाई करें। जय हिंद, जय भारत।